हेलो एवरीवन, मैं डॉक्टर प्रेमवती यादव। आज से हम कुछ नया पढ़ने वाले हैं। बहुत सारे लोग हैं जिनको एआई पीजीटी के बारे में क्या पढ़ना है, क्या नहीं पढ़ना, कैसे पढ़ना है, ये सब कुछ भी नहीं पता। तो आज हम एक छोटे से क्वेश्चन सेक्शन से स्टार्ट करते हैं कि कैसे क्वेश्चंस आते हैं। तो जैसा कि आपको पहला क्वेश्चन दिख रहा होगा, द पैरा न्योप्लास्टिक सिंड्रोम एसोसिएटेड विथ हॉजकिंस डिसीज इज। चलिए फटाफट जिनको भी इसके आंसर आ रहे हों वो कमेंट पे लिख देंगे फर्स्ट का आंसर। तो इसका आंसर है कि सेरिबेलर डीजेनरेटिव डिसीज। तो यहाँ पे हमने क्या देखा, पैरान्योप्लास्टिक सिंड्रोम एसोसिएटेड विथ हॉजकिन डिसीज। जो पैरान्योप्लास्टिक सिंड्रोम है वो हॉजकिन डिसीज के साथ किसके साथ एसोसिएटेड देखने को मिलता है, तो वो है हमारा सेरिबेलर का डीजेनरेटिव डिसीज। अब हम यहाँ पे बात करते हैं सेकेंड क्वेश्चन जो है, ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। तो यहाँ पे क्या लिखा है, आरबीसी कास्ट। तो आपको इसको ट्रिक से याद करने की कोशिश कीजिएगा, क्योंकि ये क्वेश्चन घुमा फिरा के आता ही है, चाहे वो चार में से कौन सा सही नहीं है ऐसा क्वेश्चन पूछ सकते हैं, एसर्शन रीजन में पूछ सकते हैं, मैच द फॉलोइंग में पूछ सकते हैं, या फिर आपको तीन ऑप्शन सही दे देंगे एक गलत दे देंगे उसमें पूछ सकते हैं। तो आपको बिल्कुल ही पता होना चाहिए। तो चलिए फटाफट बताइए कि इसका आंसर क्या सही है। तो अब मैं यहाँ पे बता देती हूँ, सेकंड का डी सही है। तो आरबीसी कास्ट कहाँ देखने को मिलता है हमें, ग्लोमेरुलो नेफ्राइटिस में। और डब्ल्यूबीसी कास्ट क्या है, एक्यूट पायलो नेफ्राइटिस। ब्रॉड कास्ट क्या है, क्रोनिक रीनल फेलुअर। और कोर्स ग्रैनुलर कास्ट क्या है, रीनल ट्यूबुलर डिसीज। आप इन चारों को याद कर लीजिएगा, इनमें से 100% क्वेश्चंस आएंगे। लाउड S1 मिट्रल स्टेनोसिस कॉज्ड बाय, ये क्वेश्चन का आंसर तो आपको बिल्कुल आना चाहिए, ये भी रिपीटेड आता है। तो चलिए बताइए इसका आंसर क्या होगा। मैं आपको बता देती हूँ, कैल्सिफिकेशन ऑफ मिट्रल वॉल। S1 लाउड कब हो जाता है, मिट्रल स्टेनोसिस के केस में, जहां पे मिट्रल वॉल में कैल्सिफिकेशन हो जाए। अब हम फोर्थ क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। ए पेशेंट प्रेजेंट विथ मेलेना, नॉर्मल रीनल फंक्शन, हाइपरटेंशन, मोनोन्यूराइटिस मल्टीप्लेक्स, द मोस्ट प्रोबेबल डायग्नोसिस इज। चलिए फटाफट बताइए इसका आंसर क्या होगा। तो इसका आंसर होगा क्लासिकल पैन। पैन का फुल फॉर्म क्या हो गया हमारा, पॉली आर्थराइटिस नोडोसा। और किस टाइप का, क्लासिकल। यहाँ पे क्या क्या प्रेजेंट है, मेलिना। मेलिना मतलब क्या हो गया, मतलब स्टूल के साथ ब्लड का आना। और यहाँ पे रीनल फंक्शन मतलब किडनी फंक्शन नॉर्मल है, ब्लड प्रेशर बढ़ा हुआ है, मोनोन्यूराइटिस मल्टीप्लेक्स देखने को मिल रहा है। तो इसका डायग्नोसिस क्या है, क्लासिकल पैन। अब हम बात करते हैं, अगर किसी पर्सन को गाउट है तो ये सबसे पहले आपको याद रखना है कि क्या बोल रहा है, स्पेसिफिक टेस्ट। ठीक है, कौन सा टेस्ट, स्पेसिफिक टेस्ट फॉर गाउट। तो इसका आंसर होगा रेस्ड यूरिक एसिड लेवल इन साइनोवियल फ्लूइड ऑफ जॉइंट्स। मतलब हमारे जॉइंट्स में जो साइनोवियल फ्लूइड्स होते हैं, जो बढ़ती उम्र के साथ साइनोवियल फ्लूइड कम होता जाता है, वहां पे अगर किसी पर्सन को गाउट हो जाता है तो वहां पे यूरिक एसिड हमें बढ़ा हुआ देखने को मिलेगा। हम सिक्स क्वेश्चंस की बात करते हैं। लाइफ थ्रेटनिंग कॉम्प्लिकेशन ऑफ डायबिटीज मेलाइटिस आर ऑल एक्सेप्ट। तो ऐसा डायबिटीज मेलाइटिस का कॉम्प्लिकेशन कौन सा है जिससे पर्सन की लाइफ थ्रेट हो सकती है, मौत हो सकती है, एक ऑप्शन को छोड़ के। तो चलिए फटाफट बताइए आप लोग। तो मैं इसका आंसर बता देती हूँ आपको, एम्फिसेमेटस अपेंडिसाइटिस। इससे ही लाइफ थ्रेटनिंग कॉम्प्लिकेशन नहीं है, बाकी मैलिग्नेंट ओटाइटिस एक्सटर्ना, राइनो सेरिब्रल म्यूकोमाइकोसिस, इम्फिसेमेटस पाइलोनेफ्राइटिस, ये सारे लाइफ थ्रेटनिंग कॉम्प्लिकेशन है। तो आप इस क्वेश्चन को भी याद रखिएगा, ये भी बहुत बार पूछा जाता है। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, डांसिंग कैरोटिड इज सीन इन। ये बहुत लोगों को आता होगा जिनने भी अच्छे से थ्योरी पढ़ी होगी। तो इसका आंसर है थायरोटॉक्सिकोसिस। ठीक है, अब आप लोग कमेंट कीजिएगा कि थायरोटॉक्सिकोसिस का दूसरा नाम क्या है। एक दिन बाद मैं भी कमेंट में बता दूंगी इसका आंसर क्या है, बट आप लोगों को जिनको भी पता हो वो कमेंट जरूर करें। मोस्ट कॉमन फीचर ऑफ ऑस्टियोपोरोसिस इज। ऑस्टियोपोरोसिस का मतलब क्या होता है, ये आप लोग कमेंट में बताइएगा मुझे।
तो मैं बता दूं कि अगर किसी पर्सन को ऑस्टियोपोरोसिस हो रहा है तो उसका सबसे कॉमन फीचर ये होगा कि जो हमारी स्पाइन है वहां पे कंप्रेशन फ्रैक्चर देखने को मिलेगा। आज हम दो क्वेश्चन और डिस्कस कर लेंगे, उसके बाद हम कल डिस्कस करेंगे, ठीक है? तो हम बात करते हैं मैच द फॉलोइंग। मैच द फॉलोइंग वाले जो भी क्वेश्चंस मैं आपको बताऊंगी आप उनको नोट डाउन करने की कोशिश कीजिएगा, क्योंकि कहीं ना कहीं ये एग्जाम्स में आएंगे। वन लाइनर हो सकते हैं, मैच द फॉलोइंग इज सर्टेन रीजन के रूप में, फिर बोल सकता है कौन सा गलत है, ऐसा क्वेश्चन, ठीक है? तो हम बात करें, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, डबल स्टार लगा लीजिएगा, रेड पेन से लिख लीजिएगा। ST इलॉवेशन कहाँ देखने को मिलेगा? तो इसका ऑप्शन मैं बता दूं तो सबसे पहले बी आंसर सही है। ST इलॉवेशन हमें फ्रेश मायोकार्डियल इन्फॉक्शन में देखने को मिलता है। आप लोग कमेंट करके बताइएगा कि मायोकार्डियल इन्फॉक्शन का फर्स्ट साइन क्या होता है, ठीक है? शॉर्ट QT कहाँ पे देखने को मिलता है, मतलब जो हमारा QT इंटरवल है वो कहाँ पे शॉर्ट देखने को मिल रहा है? तो हमारा हाइपरकैल्सीमिया। और वाइड QRS कॉम्प्लेक्स कहाँ पे देखने को मिलते हैं, तो राइट बंडल ब्रांच ब्लॉक हो जाती है उस कंडीशन में। और प्रोलॉन्ग QT इंटरवल कहाँ पे देखने को मिलता है हमें, तो ये हमें देखने को मिलता है टॉर्सेट डी इंटरवल पॉइंट्स में, ठीक है? अब हम एक और मैच द फॉलोइंग की बात कर लेते हैं, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आप देख लीजिए कौन सा ऑप्शन सही है, उसके अकॉर्डिंग आप मुझे बता दीजिएगा। प्लमर विंसन सिंड्रोम कहाँ पे देखने को मिलेगा भैया, क्या होगा इसका ऑप्शन, कौन सा सही लग रहा है आपको? तो मैं बताऊं तो इसका आंसर जो है बी राइट है। तो प्लमर विंसेंस में हमें कॉयलोनाइकिया देखने को मिलता है। कॉयलोनाइकिया को और क्या बोलते हैं आप मुझे बताइएगा, अगर नहीं आता है तो क्वेश्चन मार्क कर दीजिएगा, मैं आपको बता दूंगी। फिर हमारा कुसिंग सिंड्रोम क्या है, किसी को पता है? तो कुसिंग सिंड्रोम में हमें सेंट्रल ओबेसिटी देखने को मिलती है। बेचेट क्या है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बेचेट ट्रायोड होता है, जिसको अगर किसी को ही पता हो तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करें, और ना पता हो तो क्वेश्चन मार्क करें, मैं बता दूंगा इसका ट्रायोड क्या है। तो यहाँ पे ऑप्शन के हिसाब से बेचेट में क्या होगा, रिकरेंट एपिथस अल्सरेशन। ब्रुगाडा क्या है, तो ब्रुगाडा है हमारा, बताओ क्या बचा, राइट बंडल ब्रांच का ब्लॉक होना। आई होप ये वीडियो यूजफुल होगी, ऐसे ही वीडियो के लिए आप मेरे साथ बने रहें। अब हम डेली 5 से 7 मिनट की AIA PGET से रिलेटेड वीडियोस डालेंगे, जो आपके एग्जाम्स में कम से कम 50 से 55 क्वेश्चंस को कवर करेगी। तो आप कंटिन्यू डेली रात के 8 बजे हमारी वीडियो जरूर देखें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।